देहरादून शहर के बीचों बीच हरिद्वार रोड पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि यहाँ पैदल लोगों के साथ ही गाड़ियों से भी जाने वाले यात्रियों का चलना भी दूभर होता जा रहा है। वहीं इस कूड़े के ढेर में छोटे छोटे बच्चे कूड़ा बीनते दिखाई दिए, तो वहीं नगर निगम के कर्मचारी भी बिना किसी सुरक्षा के यहाँ काम करते दिख रहे हैं। सफाई कर्मियों ने ना तो हाथ में कोई दस्ताने पहने थे, ना मुख पर किसी तरह का मास्क और ना ही रबड़ के जूते पहने हैं, जिससे इस कूड़े के ढेर में संक्रमण फैलने का खतरा भी हो सकता है। वहीं इस पर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि सफाई कर्मियों को ग्लव्स, मास्क और शूज दिए गए हैं, लेकिन वह नहीं पहनते हैं तो इसमें कर्मियों की गलती है। हालांकि निगम समय समय पर निरीक्षण का कार्य भी करता रहता है। सभी को मास्क, ग्लव्स, गमबूट इशू किए गए हैं। समय समय पर इनका निरीक्षण भी किया जाता है, कठोर निर्देश दिए जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करना चाहता है तो किसी को, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसको हम बार बार पहन के मास्क पहनाएं। अगर नहीं कर रहा है, अगर वो बीमारी होती है उसका खाने जाओ भुगतेगा। नगर निगम केवल लोगों को प्रोवाइड करा सकता है और समय समय पर निरीक्षण करके उनको इंश्योर कर सकता है, लेकिन 24 घंटे न तो उसका निरीक्षण संभव है और न ही किसी को विवश किया जा सकता है। प्रयास हमारी तरफ से यही है कि सभी इसका इस्तेमाल करें। एक चीज और देखी गई है वहाँ, नगर निगम का कोई लेना देना नहीं इससे, नगर निगम का इससे कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारी वो मना नहीं करते हैं, बिल्कुल मना करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मना करते होंगे। और इसमें तो मुख्य रूप से श्रम विभाग की जिम्मेदारी है कि 14 साल से कम के बच्चों को ये इंश्योर करें कि किसी भी ऐसे खतरनाक जगहों पर बच्चों का जाना वो रिस्ट्रिक्ट।